टीम इंडिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के बारे में रिपोर्ट्स आई कि वो बतौर मेंटोर आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जुड़ रहे हैं। डीडी से जुड़ने के लिए भज्जी को चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ना होगा और बतौर खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास लेना होगा। हालांकि हरभजन ने स्पष्टीकरण देते हुए सभी दावों को खारिज किया और चेन्नई सुपर किंग्स को सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी करार दिया। आईपीएल इतिहास में पहली बार हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ किसी और फ्रेंचाइजी की तरफ से खेला था। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 साल के निलंबन के बाद आईपीएल 2018 में धमाकेदार वापसी की और खिताब भी जीता। भज्जी ने आईपीएल 2018 में 13 मैच खेले और प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें सभी मुकाबलों में मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो जितना खेले उसमें अच्छा प्रदर्शन किया। हरभजन सिंह ने कहा कि दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने की उनकी किसी प्रकार की योजना नहीं है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि मौजूदा फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो बेहद खुश हैं और अभी उसे छोड़ने के बारे में कोई योजना नहीं है। इस बयान के साथ ही हरभजन ने पुष्टि कर दी कि अगले साल आईपीएल टूर्नामेंट में वो खेलते दिखेंगे। यानी कि इन सभी खबरों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया कि हरभजन धोनी की वजह से सीएसके टीम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।